कर के भावा। क्या तुम्हारे घरे? बाबा घरे ना। तुम्हें जुगनू के लिए घरे जाओ। तुम्हारे माय के 24 लड़का। हाँ ना। बाबा, ये पूरे 24,000 रुपया। 16 कितना काल? बाबा। शाला कितना कराए? ये बाबा। रुपया कितना है? ये रुपया पूरे 24,000 है। अब रोटी और बोटी का जुगाड़ हो गया। क्या नहीं बाबा? अब हम लोग एक महीना ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। मुर्गा फंस गया। मुर्गा जाल में। शेर चंगुल में फंस गया। अरे राम प्रकाश प्रधान, तुम्हारे परिवार को बर्बाद ना कर दिया और तुम्हें खून का आंसू जरूर लाया तो मेरा नाम बोधी बाई। कसम भोले नाथ की, इधर की दुनिया इधर कर देना, मेरा काम है हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा जी हमारे गए कोटिया पर। बाबा जी हमारे गए कोटिया पर। अब ये पूरे पैसे मेरे हाथ में हैं। अब मैं इसी वक्त जाऊंगा भोले बाबा के मंदिर पर। भोले बाबा के मंदिर पर जाऊंगा, उसके बाद एक पौवा भांग चढ़ाऊंगा, उसके बाद बाबा के साथ आगे जाऊंगा। लेकिन मास्टर जी और राम प्रकाश प्रधान, अगर तुम्हारा घर को हम और बाबा मिलकर बर्बाद ना करेंगे तो हमारा नाम चेला गिट्टक लाल। ये रहा गिट्टक लाल का आईना। मेरा नाम है कजरी कंठी वाली। क्या बताऊं, बड़ी दुख की बात है, मेरी शादी हुए कई साल हो गए लेकिन भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे प्रधान जी गए हैं बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी के पास, उनका आने का समय हो गया है, वो आने वाले हैं। आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर बाबा जी ने क्या कहा है। आ गए, आप तो बाबा जी के पास गए थे, आखिर बाबा जी ने क्या कहा प्रधान जी बताइए ना। ये मैं क्या देख रही हूं, आप तो यहां से खुशी गए थे लेकिन आपके चेहरे पर उदासी, क्या बात है प्रधान जी बोलिए ना। उदासी का कारण जानना चाहती हूं। हां स्वामी मैं जानना चाहती हूं, क्या बात है बताइए ना। मैं उदासी के कारण तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा। अरे खजरी, जिसे तुम अपनी बड़ी बहन से बढ़कर मानती हो वही हरामजादी गीता तुम्हारा गला काट रहा है। मेरा गला काट रही है? हाँ हाँ, तुम्हारा गला काट रही है। मतलब तुम नहीं जानती हो, वो हरामजादी दौलत के चक्कर में आकर अपने नैहर से भूत लाकर तुम्हारी कोपर कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात कान खोल के सुनिए। बोलो। अरे मेरी कोख से उन दोनों ने किया है खिलवाड़। मेरी कोख से उन दोनों ने अरे किया है खिलवाड़। अरे आज से समझू नहीं है मेरा परिवार, है मेरा परिवार प्याला संग उनके रह पाऊं, है
मेरा परिवार पियाला संग उनके रह पाऊं। अरे मानो मेरी बात पलम घर अपना अलग पत। प्रधान जी अगर ऐसी बात है तो बताइए उस हमारी कितनी बड़ी हिम्मत। क्या कहा कि अगर तुम्हें उसके साथ रहना हो तो उसके साथ रह सकते हैं क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। नहीं अरे हम भाई के साथ रहेंगे तो उसके साथ कितवा हरामजादी रहेगी और जिसने मेरा गला काटा है मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। मैं उस हरामजादी की शकल नहीं देखना चाहता। मेरी बात सुनो। तो बात तुम ठीक कहती हो कजरी मेरी बात तुम ठीक कहती हो कजरी मेरी साथ में रहना मुझको गवारा नहीं कर दो हिस्से का बंटवारा और ये जान मनी साथ में होगा अब तो गुजारा। बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन प्रधान जी जब बाबा ने यह सब बात बताया है कि वो हरामजादी गीतवा मेरी कोख पर भूत करवा दिया है तो बाबा जी ने इसका उपाय भी तो बताए होंगे। हाँ क्यों नहीं बताए। क्या बाबा ने कहा कि 7 दिन के मासूम बच्चे की बलि 12 बजे रात तुम्हारे आंगन में होगी वो भी कजरी कंठी वाली के हाथों द्वारा होगी तब तुम्हारे बीबी की कोख हरी होगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि भगवान ने मुझे एक औलाद नहीं दिया है। मैं किसके बच्चे को लाकर मैं बलि चढ़वा दूं। अरे तुम तो ऐसे हंस रही हो जैसे कि पॉकेट में बच्चा रखा हो। बच्चा अभी पॉकेट में ही है। मेरी बात ध्यान से मतलब कोख में बच्चा इस वक्त गीतवा के है कोख में इस वक्त गीतवा के है और मुझको सुझाती न कोई गली मानो मेरा कहा अरे प्यारे पिया लाके बच्चे के उसके चढ़ा दूं। हो गया बच्चा पैदा होगी तो जिस घड़ी कर दो बलिदान मिट जाए। अरे कजरी ये हरामजादी गीता मैंने उसे अपनी बेटी माना बेटी का दर्जा दिया लेकिन मेरे साथ उसने क्या घात किया कि जिंदगी भर बच्चे के लिए तरसा दिया। आप चिंता मत करिए मैं इसी वक्त जा रहा हूं उस हरामजादी के पास। कजरी सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता है। मतलब तुम ऐसे नहीं जाओगी ना तो ऐसे सालियों बकरेगी कि मैंने ऐसा किया है। अरे हाथ में कुछ लेके जाओ तब वो हरामजादी कहेगी हाँ ये सच्चाई है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं जा रही हूँ उस हरामजादी के साथ अपनी मनमानी करूंगी लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं वादा करता हूँ कि जाओ गीतवा के साथ जो करना है सो कर सकती हो। मैं बीच में रोक टोक नहीं करूंगा। चलो नीलवा चल मेरे साथ। चले तेरे का हाँ हाँ तू मेरे साथ चल उस हरामजादी से अभी मिलती हूँ। हमारी धर्मपत्नी अकेली जा रही है। अकेली जा रही बाबू
वो हरामजादे तीन प्राणी हैं। प्राणी बाबू, हो सकता है कि वो हरामजादे हमारी बी पर हमला करते। कर सकते बाबू। इसलिए ये हरामजादी गीता मेरे साथ पाप कमाई है। अगर इस अंजाम का बदला नहीं चुकाया, अगर इस अंजाम का बदला नहीं चुकाया तो मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान नहीं। आओ मेरे साथ। चलिए बाबू। हे प्रभु परमात्मा, तो ही देखा हम बहुत साधु देखे हैं, बहुत साधु देखे, एक जो साधु मिले बाकी सब सारे साधु निकले। जब उसको पैसा देकर हम बाबा को निकला, वहां से बाबा चेला को खुद दूर गया, दोनों मिल कह रहे थे चेला की चकला आज हमारे रोटी और बोटी का जुआड़ हो गया। तब समझ गए सारे साधु न हैं सवाधु हैं, आग लगा दिए हैं, लग रहा है इस परिवार बिछो हो जाएगा। लगा वाला लगिया बगिया बाबा उजाला लग